फ्रेंड्स, आज आपको स्वागत है हमारे चैनल चेस किंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइव मूव्स में अपनी क्वीन कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं शुरू करता हूँ। हमें क्वीन बनाने के लिए सबसे पहले इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपका ओपोनेंट प्लेयर ब्लैक इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम इस वाले पॉन को मारकर अगली मूव में रानी बना सकते हैं। और अगर वो इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम इस वाले पॉन को मारकर अगली मूव में क्वीन बना सकते हैं। अब वो इस वाले पॉन को मार देता है, उसके बाद हमें इस वाले उनको एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर वो इस वाले पॉन को मारता है तो हम इस वाले पॉन को आगे बढ़ाकर अपनी क्वीन बना सकते हैं। और अगर वो इस वाले पॉन को मारता है तो हम इस वाले पॉन को मारकर अगली मूव में अपनी क्वीन बना सकते हैं। अब वो इस वाले पॉन को मारता है तो नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वाले पॉन को आगे बढ़ाकर हमें अपनी क्वीन बनानी है। अब ब्लैक ओपोनेंट भी इस वाले पॉन को आगे बढ़ाएगा अपनी क्वीन बनाने के लिए, और हमें भी इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है अपनी क्वीन बनाने के लिए। ओपोनेंट ब्लैक जरूर इस वाले पॉन को एक कदम और आगे बढ़ाएगा, फिर हमें इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा के अपनी क्वीन बनानी है। और अगर वो इस वाले पॉन से नहीं मारता और इस वाले पॉन से मारता है तो हमें इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, जिससे कि वो इस वाले पॉन को मारे तो हम इस वाले पॉन को आगे बढ़ाकर अपनी क्वीन बना सकते हैं। और अगर वो इस वाले पॉन को मारे तो हम इस वाले पॉन को मारकर अगली मूव में अपनी क्वीन बना सकते हैं। अब वो इस वाले पॉन को मार देता है और हमें अपनी क्वीन बनाने के लिए इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। ब्लैक ओपोनेंट भी इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएगा अपनी क्वीन बनाने के लिए, फिर हमें इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है और ब्लैक ओपोनेंट भी इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाएगा अपनी क्वीन बनाने के लिए, और हमें फिर दोबारा इस वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है और हमारी क्वीन बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मत कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ही आप कीजिएगा।